बात कनाडा की करेंगे तो कनाडा जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक प्रायोरिटी पर ज़रूर होती है डेस्टिनेशन के, अगर हमने अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो ज़रूर हम कनाडा जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने नॉर्थ के स्टूडेंट्स की बात करें। लेकिन जब से GIC डबल होने की न्यूज़ आई है उसके बाद का ट्रेंड अब क्या चल रहा है? अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, रिजल्ट्स की टाइम की बात करें, या फिर कितनी फाइलिंग हो रही है उसकी बात करें, स्टूडेंट्स के मन में कौन से सवाल चल रहे हैं उसकी बात करें, तो एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर ज़रूर करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर, और कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स क्या चल रहे हैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज वीज़ा एक्सपर्ट मिसेज वीना मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे कि आप अभी का सभी अपडेट जो चल रहे हैं इस टाइम पर, जो ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स के मन में, बहुत सारे सवाल, GIC डबल हो गई, खर्चा ज्यादा हो रहा है अब स्टूडेंट्स का, के जो है जेब पर बोझ पेरेंट्स के बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो कि नए साल की शुरुआत के साथ ही, तो क्या फ्यूचर आगे चलकर नज़र आ रहा है? क्या GIC डबल होने से स्टूडेंट्स की फाइलिंग भी थोड़ी कम होती नज़र आएगी? क्या स्टूडेंट्स कनाडा के अलावा और कंट्रीज़ की तरफ भी अपना जो है इंटरेस्ट दिखाते नज़र आएंगे? किस तरह का फ्यूचर नज़र आ रहा है कनाडा का स्टडी वीज़ा के बारे में अगर हम सोचें? हरजोत, मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा कि कनाडा की फाइल्स कम होंगी, क्योंकि जिसको कनाडा जाना है, जिनके रिलेटिव्स कनाडा बैठे हैं, वो कनाडा ही जाना चाहते हैं। आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे एनरोलमेंट के लिए, वो कहते इट डजेंट मैटर कि $20,000 हो गई है, हमें कनाडा जाना है, जो पर्टिकुलर कोर्स की चॉइस है वो ही करना है, और $20,000 से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है नहीं है, और 31st लास्ट डेट है फाइल लगाने की ओल्ड GIC के साथ, तो वो बच्चे लगा सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2024 से जो है $20,000 GIC के साथ ही फाइल सबमिट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स, आप अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है GIC डबल होने से, क्योंकि पैसा तो वो आप ही के अकाउंट में है। हाँ, पेरेंट्स जो हैं इसमें इजी क्या था कि इनको कोई सोर्स नहीं चाहिए, पैसा कहाँ से आया, कहीं से भी इन्होंने $20,000 $10,000 जो भी GIC का लेके करा देना एंड फीस करा देने। कनाडा का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है कि ओल्ड फंडिंग वाला चक्कर नहीं है, बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है कि आपको 6 बैंड ओवरऑल आइल्स के लिए, चाहे एक मॉड्यूल में कोई भी है या दो में कोई भी है, वो फिर कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो एम्बेसी के लिए 6 बैंड ओवरऑल SDS प्रोफाइल के लिए, और आपकी जो 1 ईयर फीस पे होनी चाहिए, और GIC अकाउंट में GIC होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमेशा कनाडा को प्रेफर करते हैं कि बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, और कोई उन्होंने मार्क्स का भी ये नहीं रखा कि 80% है 70% है या मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, जो भी हो बच्चे कॉलेज ने एक्सेप्ट करना है। अगर कॉलेज 55 में करता है या 60% में करता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल कॉलेज। अगर कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया फिर स्टूडेंट के मतलब वीज़ा में कोई इशू नहीं, और आपको पता ही है वीज़ा सक्सेस रेट इनका 95-98% तक गया है, तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट हुआ है। तो जो स्टूडेंट कनाडा जाने के चाहवान हैं उनको, जो मेरी बात हुई है स्टूडेंट से, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ का मैटर करे कि 6-6.5 लाख रुपया उनका बजट अब बढ़ जाएगा, जो कि किसी और को नहीं देना है, तो उन्हीं के अकाउंट में, वो GIC अकाउंट मीन्स उनके बैंक अकाउंट में है वो $20,000। इनको अभी एक क्लैरिटी नहीं आई है कि हर महीने कितना मिलेगा, जैसे 900 समथिंग इनको पर मंथ मिलता था और ये आने वाले 10 मंथ्स तक इनको मिलता था, तो अब ये कितने टाइम में वो देंगे ये इस पर क्लैरिटी नहीं आई। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के ये ज़रूर हम समझ सकते हैं कि कनाडा भी जो है ये समझ चुका है कि कितना ज़्यादा प्यार या कितना ज़्यादा इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के मन में कनाडा को लेकर है, तो इसी के लिए इसीलिए हमें लगता है कि शायद कनाडा ने अपनी इस पसंद को देखते हुए कि स्टूडेंट्स के पसंद में तो हम बने ही हुए हैं, तो फिर क्यों ना थोड़ी GIC डबल कर दी जाए, स्टूडेंट्स ने तो आना ही है कनाडा, लेकिन अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी ऑप्शंस भी कनाडा जो है स्टूडेंट्स को ज़रूर देता है। तो मैम,
जिन स्टूडेंट्स का सवाल अक्सर रहता था काम को लेकर कि काम की अच्छी ऑप्शंस नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो किस तरह से देखे क्या कैनेडा गवर्नमेंट जो है इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रही है कि आगे चलकर स्टूडेंट्स को काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ में भी कोई कमी ना रहे? काम करने की अपॉर्चुनिटी में कभी भी कमी नहीं आएगी अगर उनके पास स्किल हो। ये शायद हमारे हर वीडियो में इनको बताते हैं कि आप जाने से पहले 2-3-4 महीने के कुछ कोर्सेज करके जाएं। अब देखो गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स यहाँ से मैंने देखा ब्यूटिशियन का कोर्स करके जाती हैं, नील आर्ट का कोर्स करके जाती हैं कि उनके स्किल्स हैं अपने, और धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स में फेमस हो जाती हैं कि उन्होंने जो भी करना है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने जो कराना है, क्योंकि ये आजकल के हर बच्चे की एक रिक्वायरमेंट है कुछ भी फैशन से रिलेटेड। ऐसी जो लड़के हैं कोई वेब डिज़ाइनिंग का करके जा रहा है या आईटी से रिलेटेड कुछ करके जा रहा है, जिससे कि क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी वेबसाइट चाहिए, यहाँ वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम बच्चों को मिल जाता है जिनका इंटरेस्ट हो। ऐसे गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं। अगर स्किल्स हैं स्टूडेंट्स में तो उनको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम कहेंगे हमारी बिना स्कूल के बिना स्किल्स के कोई लेबर की तरह उठा ले, वो कई बारी प्रॉब्लम हो सकती है। योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड, योर कंप्यूटर स्किल शुड बी गुड, क्योंकि कंप्यूटर तो देखो इतना तरक्की कर गया है कि आपको आज साइबर सिक्योरिटी के कोर्स इसीलिए हैं कि आप पे साइबर अटैक हो रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए आपके पास साइबर गार्ड रखे जा रहे हैं, मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि साइबर अटैक ना हो। तो आप ये सोचिए कि कंप्यूटर के जो अच्छे कोर्सेज हैं अगर आप करते हैं, वहाँ असाइनमेंट्स हैं वो सारी कंप्यूटर के थ्रू, मतलब जो भी पढ़ाई है आपकी वो सारी कंप्यूटर के थ्रू ही होनी है। तो कंप्यूटर के अच्छे कोर्सेज होने चाहिए और आपका जो इंग्लिश जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, आप किसी से बातचीत कर सकें, आप इंटरव्यू अच्छे से दे सकें, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि जॉब की आपको कभी कमी नहीं आएगी। हाँ ये है कि जाते ही एकदम नहीं मिलती, थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, 1-2 महीने, 3 महीने, उसके बाद जॉब्स, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ द जॉब। अब मेरा नेफ्यू यहाँ इंडिया में था, कनाडा रह के आया था, वो किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा था, करते करते उसको कनाडा कॉलेज से, किसी अच्छे कॉलेज से उसको जॉब ऑफर आई, नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर कैनेडियन कॉलेज। तो आपको जॉब ऑफर्स मिलती हैं, आप में स्किल्स क्या हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाई अच्छे से करो, कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करो, स्किल्स डेवलप करो, 101% यू विल गेट जॉब। जी बिल्कुल, तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें आगे चलकर काम के लिए अच्छी ऑप्शंस मिले तो खुद पर मेहनत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि स्किल्स होंगे तो काम कहीं भी आपको ज़रूर मिल सकता है, तो स्टूडेंट्स को ज़रूर अपने आप पर लगातार वर्कआउट करना चाहिए कि हम किस तरफ आगे बढ़ें ताकि हमें काम की अच्छी ऑप्शन ज़रूर मिल सके। तो और कोई सवाल हो आपके तो ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर भी कॉल करके आप पूरी जानकारी जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आप हमेशा ही स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं, साथ साथ आप उनको बहुत पॉजिटिव भी हमेशा करते हैं कि कैसे अपने फ्यूचर को अगर ब्राइट बनाना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो कैसे किस दिशा में आगे बढ़ें और मेहनत करते हुए अपने ज़िंदगी को सफल बनाएं। तो बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।